टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में सड़क और डिवाइडर इलेक्ट्रिक पोल का आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है, मगर अब विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने मनपा के 40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली और इस मीटिंग में ये नतीजा सामने आया कि एक महीने के अंदर जितने भी मुमरा शहर के नाले, गटर और डिवाइडर इलेक्ट्रिक पोल का आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है, ये काम एक महीने में पूरा किया जाएगा। आज रविवार के दिन से ही इस काम की शुरुआत की गई। विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान और मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी भी इस समय मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। दरअसल रोड चौड़ा करने का, डिवाइडर नाले, इलेक्ट्रिक पोल का जो आधा अधूरा काम बाकी था, जब भी इन कामों को लेकर पूरा करने की बात सामने आती थी तो कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से ये आधे अधूरे काम इसी तरह से पड़े हुए थे। मगर अब विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने बताया है कि मनपा अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद एक महीने में ये सारे अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। साथ ही राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो हॉकर्स को 45 दिन की परमिशन देकर मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट में बिठाया गया था, ये 45 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो फिर उन्हें कहां पर शिफ्ट किया जाएगा। विरोधी पक्ष नेता सानू पठान ने जवाब देते हुए कहा कि 3 महीने के बाद जहां पहले मित्तल के पास राजीव गांधी हॉकर्स थे, वहीं पर इन्हें दोबारा शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक महीने में ये काम पूरा करने की बात की जा रही है, इस तरह के दावे पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि एक महीने में कितना काम पूरा होता है और कितना अधूरा रह जाता है। बहरहाल आज रविवार के दिन इस काम की शुरुआत की गई और इस दौरान विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान और मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी ने क्या कुछ कहा है। जितने भी परिसर की विरोधी पक्ष कार्यालय में संबंधित सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई और जैसे कि हम लोगों ने 3-4 महीने पहले सभी मुख्य रोडों को काम को डिवाइडर से लेके हर कामों का शुरुआत की, लेकिन कोविड की तीसरी लहर आने के बाद काफ़ी हद तक काम धीमी हस्तार में हो गए। लेकिन अब माशाल्लाह जो आरोग्य विभाग का स्टेटमेंट है वो स्थिति अभी सामान्य है, खतरे की स्थिति अभी है नहीं, इसीलिए सभी संबंधित अधिकारी आयरे साहब, सोलंके साहब, गोसावी साहब, गुप्ता साहब, जितने भी संबंधित अधिकारी उन सबकी एक मीटिंग लगा के विरोधी पक्ष कार्यालय में एक महीने के अंदर ये बाकी बचे पेंडिंग काम पूरे करना है, जिसमें डिवाइडर, मुख्य रास्ते के जो UKWT काम बचे वो, STLT पोल को अंडरग्राउंड करना वो, अलमास और घासवाला सुमनताई सम्राट नगर ये टाकी के काम को पूरा करना है वो, ये बचे हुए सारे काम एक महीने के अंदर हम पूरा कर रहे हैं। इसके हमारे सब TMC के हमारे अधिकारी सभी ने संपर्क लिया, संकल्प लिया है एक महीने के अंदर हम डे नाइट करके ये बचे हुए काम को खत्म करेंगे। गोसावी साहब, काम शुरू किया गया है, जिस तरह से आप लोगों ने मीटिंग ली है, एक महीने के अंदर जो डिवाइडर है और ये रोड का काम है, इस तरह से क्या एक महीने में ये काम पूरा कम्प्लीट हो जाएगा? आप लोगों ने साथ दिया है ना, ये पब्लिक ने साथ दिया है ना, एक महीने के अंदर नहीं 25 दिन के अंदर करूंगा सर। ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो आ जाएगा, सालों महीने खुद आके खड़ा होकर सबको, हम तो वापस गए थे परसों कि ट्रैफिक है नहीं निकल रहे थे, लेटर भी लेता ट्रैफिक वाले, मगर परसों जो मीटिंग ली गई, जो मुमरा के छोटे मोटे काम बचे हैं वो बहुत दिन से पेंडिंग थे, कोविड की वजह से थोड़ा बहुत भी काम था, पर वो लाट कम होने के बाद में अभी हमने मीटिंग लिया और वो उसका एक बार कार्ड बनाया है, वो बार कार्ड के हिसाब से मिनट्स बनाया और डिवाइडर जो रोड आपको वाइंडिंग किया तो इनबैलेंस हो गए, कई जगह ज़्यादा हो गए कई जगह, उसके हिसाब से डिवाइडर आपको निकल के लिया था, वो डिवाइडर अभी बिठाने का काम चालू हो जाएगा और जो साइड का पट्टा था उसमें वाटर लाइन डालने की थी, केबल लाइन डालने की थी और RMM बिठाने की थी, सभी कॉन्ट्रेक्टर को बुला के पानी वाला, लाइट वाला, सफाई वाला, MECB वाला, सभी लोगों को बुला के कन्वीनियंस होना मांगता था, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ढकेल रहे थे, वो नहीं मिलता है वो नहीं, मगर सभी लोगों को बुला के कोऑर्डिनेशन हो गए हैं, वो हिसाब से पहला काम संडे था, कल परसों मीटिंग हो गई, तो आज
बोले संडे और भी रहेगा तो भी हम काम चालू करेंगे। वही हिसाब से साइड पट्टा जो अपना बचा था, अभी पानी की लाइन हो गई, एमएससी का केबल जिधर जिधर पूरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, वही हिसाब से अभी साइड सोल्डरिंग का काम हमने चालू कर एक महीने के अंदर अपने अपोजिशन लीडर जो जानू भाई है वो साथ में रहेंगे, तो हम जल्द से जल्द काम पूरा करेंगे, क्योंकि पब्लिक का भी साथ हमको काम करने के टाइम पर रखना है। तो गाड़ी पार्किंग करके चले जाते दो दो घंटा आते नहीं, फिर हमारा काम के लोगों ने भी साथ देना होता है, वो हिसाब से हम जो बोला है वो हिसाब से काम करेंगे। रास्ता बनने के बाद दोबारा वहाँ पे पार्किंग होगी। देखिए पार्किंग का इशू दूसरा है, मुख्य मेन मामला ऐसा है कि कई जगहों पे बजट गिर चुका था, जैसे रिमॉडलिंग में जैसे यूटी एलटी और एसटी पोल का करोड़ रुपए का बजट गिर चुका है, ऐसे रस्ते के कई मामले काम 90% हो चुके, 10% नहीं हुए। हमारा पहला ध्यान जो है जिन पे बजट गिर गए, बजट लैप्स ना हो जाए और मुद्दत खत्म ना हो जाए, क्योंकि फिर महावाड़ी मुद्दत के लिए महासभा में जाना पड़ेगी, फिर प्रोसीजर है, ये सारे कामों को टाइम पे पूरा करना है जो कोविड की वजह से रुके थे। एक महीने के अंदर हम ये बचे हुए काम पूरे करेंगे, और पार्किंग की समस्या के लिए हम जब ये पूरे रूट कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम पार्किंग के लिए बाकायदा कलर बना के पार्किंग स्ट्रक्चर बना के लेंगे कि कौन से एरिया में जो क्राउड है या क्राउड कम है उन जगहों पे पार्किंग लगाई जाए। पहले विषय है ऐसे कामों को जब रोड कंप्लीट ही नहीं हो रहेंगे तब हम पार्किंग का भी हम सुविधा नहीं कर सकते थे। ये बड़े बड़े रोड कंप्लीट हो जाएंगे, जो रास्ते चौड़े हैं जो रास्ते क्राउड नहीं है उन जगह का हम पार्किंग जोन बना के ही रहेंगे। जरूरी आप ये दुआ करिए, अल्लाह से हमारी दुआ ये, ऊपर वाले से हमारी दुआ ये, कि हम टीएमसी के और हम अधिकारी, हम नगर सेवक, हम लोग प्रतिनिधि सैयद अली भाई साहब शमीम खान जी मिलकर, हम सब लोग जितेंद्र रावत जब के माध्यम से हमारे जो काम कर रहे, अगर कोविड की लाज ना आई तो हम अपने टाइम पे ये सारे काम पूरे करके रहेंगे। गोसावी सर लास्ट सवाल है, रोड तो चौड़ा हो गया था, अच्छा खासा चौड़ा था, भरपूर जगह थी, गाड़ियां आ जा रही थी जा रही थी, लेकिन जो डेढ़ महीना दो महीने का हॉकर्स को परमिशन देकर बिठाया गया है, तो क्या ये डेढ़ दो महीने इनके जब कंप्लीट होंगे तो फिर इन्हें हटा दिया जाएगा या फिर इन्हें आगे टाइम बढ़ा दिया जाएगा इसका? गोसावी साहब ने जब वहाँ पे गए, जो 100 मीटर का हमारा रोड है सेकंड, उधर वो नाला बनाना जरूरी, और साथ ही हमारे इंजीनियर टीएमसी के अधिकारियों को ये कहना था कि एक रोड है, एक ही पे लोड ज्यादा है और इसका जो पानी का आउटलेट है वो ज्यादा खाड़ी पे, वो नाला बनाना और रोड बनाना वो बहुत जरूरी था, नहीं तो वो काफी हद तक वो भी पेंडिंग रहता था। इसीलिए उन्होंने 45 डेज का उनको टाइमिंग दिया हॉकर्स को कि वहाँ शिफ्ट हो जाए, लेकिन 45 डेज से लेकर 3 महीने के अंदर वो अंदर का रोड बन जाएगा। हमारे टीएमसी के अधिकारी हॉकर्स को कॉन्फिडेंस में लेके सभी लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे।